नमस्कार दोस्तों, पूजा डिजाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्लीव की एक बहुत सुंदर डिजाइन का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो स्लीव में क्या किया है, जो नॉर्मल स्लीव की कटिंग होती है, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो ये देखिए, ये 5 इंच की मेरी स्लीव की लंबाई है। तो मैंने क्या किया है, देखिए ये जैसे हमारी स्लीव है, ये मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये मैं आपको जोड़ के दिखा देती हूँ। ये तो ये नॉर्मल स्लीव की हमारी कटिंग है। तो मैंने क्या किया, जहाँ पर हमारी स्लीव की मोहरी होती है, वहाँ पर मोहरी पे हमने यहाँ से देखिए नीचे से इसको 1.5 इंच पर एक निशान यहाँ लगाया है, 1.5 इंच पर। इस पर 2 भी लगा सकते हैं आप, जितनी गहराई देना चाहें उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। और यहाँ से फिर गुलाई दे के, ये देखिए ऐसे गुलाई हमें देनी है लगभग 2.5 इंच पर। 2.5 इंच से हमें स्टार्ट करनी है और ऊपर से हमें 1.5 इंच लाना है, ये देखिए ऐसे। और फिर हम इसको ही कटिंग कर देनी है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग पहले कर ली थी। और इसमें ऐसा कटिंग का और नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें नॉर्मल स्लीव जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही है। हमें इसमें जो फ्रंट आर्म होल की गहराई होती है वो अभी नहीं देनी होती। जब हमारी पूरी स्लीव की डिज़ाइन रेडी हो जाएगी तब हम इसमें स्लीव में आर्म होल की गोलाई देंगे। तो मैंने क्या किया है, ये कुछ इस तरीके के फ्लावर लीव्स ये बनाई है। इनसे हम हाफ फ्लावर का इसमें डिजाइन बनाएंगे। तो ये किस तरीके से बनती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्क्वायर पीस में एक टुकड़ा लिया है मैंने। तो ये आप जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ को बढ़ा दें। ये 2.5 इंच 2.5 बाई 2.5 है ये। तो इसको क्या करना है, हमें बिल्कुल बराबर बराबर ये हमारा होना चाहिए। और कॉर्नर पर से इस तरीके से पकड़ के इसको, ये देखिए, या तो आप इसमें कोई पतली चीज़ डाल सकते हैं, क्रोशिया वगैरह से भी बना सकते हैं, और बड़ी जो नीडल आती है हमारी उससे भी आप बना सकते हैं। मैंने इसको आज से इस तरीके से बनाया। इस तरीके से आप गोलाई इसमें डाल लें, पतली हो एकदम हमारी ऊपर चीज़ इसकी। और फिर इसको इस तरीके से इकट्ठा करके, ये देखिए ये मैंने ऐसे इसको इकट्ठा कर लिया। और ये देखिए, ये यहाँ से इसको पकड़ के, और हमें बस इसके साथ जो धागा है इसके ये लपेट देना है। धागे में गांठ की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम इसके ऊपर हमको स्टिच लगानी है, इसलिए आप इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं। और ये देखिए, और यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट दें। और ये देखो, ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। कितनी सुंदर, इसी तरह की मैंने ये पहले रेडी कर ली थी। ये देखिए, ये सारी मेरी रेडी की हुई है। अब हमें क्या करना है, हाथ की सुई लेके इनको सबको एक बार सीधी साइड से एक बार आप पिरो के रख लें। तो ये देखिए, मैं इनको इकट्ठा रख लेती हूँ। मैं 6 का मैंने ये 6 कलियाँ ऐसी ली हैं, लीफ भी कह सकते हैं अपन इनको। और ये देखिए, और फिर मैंने इनको एक जगह पिरो लिया है। आप ऐसे एक जगह रख लें इनको। ऐसे करके सबको मैंने सुई में पिरो लूँगी और इनको मैं एक बार साइड में रख देती हूँ। अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्लीव है इसको लेके, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है मैंने इसको लिया है, इसको सीधी साइड से रखा है और इसको उल्टी साइड से हमें रखना है। तो ये देखिए, इन दोनों को बराबर बराबर बिल्कुल मिला के ऐसे इनको बिछा लें अच्छे से। पूरी है हमारी स्लीव की इसमें, और यहाँ से पकड़कर, ये देखिए, अब हमें जो भी हमारी ये डिज़ाइन की कटिंग थी उसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से कर्व में घुमा दें और फिर सुई को
ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए हमने इसको जोड़ लिया है, और जो भी हमारा ये अब एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस गोलाई पर हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए ये मैंने कटिंग कर दी, और बीच सेंटर में यहाँ पर आप एक कट लगा लें, और राउंड में यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कट लगा के अब इसको ये देखिए सीधी साइड में पलट लें। ये हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद सिलाई को दोनों को आप ऐसे नाखून से प्रेस कर लें, ये बिल्कुल फिनिशिंग से पलट जाएगी। और यहाँ से पकड़कर इस पर एक सिलाई लगा दें ताकि ये अच्छे से दब जाए। सिलाई लगाने से हमारी जो डिजाइन होती है वो बिल्कुल परफेक्टली उभर के आती है। ये डिजाइन बहुत आसान है, आप इसको बनाकर जरूर ट्राई करें, और ये बहुत सुंदर लगती है बाजू पे। हम इसको लॉन्ग स्लीव में भी बना सकते हैं। देखिए ये हमारी बन गई है। अब इसमें चारों तरफ स्लीव में ये देखिए मैं एक दो पिन लगा लेती हूँ, क्योंकि सिलाई के बाद हमारा कपड़ा है थोड़ा सिकुड़ जाता है। और अब इस पर पूरी पर स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा ली है। मेरी यहाँ से थोड़ी ढीली सिलाई आई है, इसकी थोड़ी कटिंग कर देती हूँ मैं। ये हमारी कच्ची सिलाई है, इसको वैसे भी हमने उधेड़ना है। तो ये मेरी अब ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है देखिए ये मैंने काट लिया है, और ये ऐसे इसकी थोड़ी सेफ आई है। अब मुझे क्या करना है, अब एक ये छोटी डोरी मैंने यहाँ पर बना के रेडी की हुई है पलट के, इसमें हम नीचे लटकन लगाने वाले हैं दो छोटी छोटी। तो ये डबल लेयर में मैंने कपड़ा लिया है ये देखिए, और इसकी मैं दोनों साइड में इसमें लगा लेती हूँ।
बना के। और इसको पलट लेते हैं। मैंने इसको डबल कपड़े में हाफ तिकोना सिल के बनाया है, जिससे हमारा कोई भी धागा बाहर नहीं निकलता। हमें छोटी लटकन बनानी है क्योंकि हमें इसको बाजू पर लगाना है, तो ज़्यादा बड़ी बाजू पे थोड़ी भद्दी लगती है। तो देखो ये छोटी सी, और इसमें कोई भी कपड़ा हमारा बाहर नहीं निकला। तिकोने कपड़े को लेके आप एक तरीके से राउंड शेप में इस तरीके से एक साइड से सिल लें, और फिर उसको ऐसे पलट कर सीधी साइड में ऐसे पलट लें, और फिर उसको इस तरीके से करके जो भी हमारा बच कपड़ा कटिंग में निकलता है उसी से ये हमारी आसानी से बन जाती है। ये देखिए, फिर इसको पकड़ कर इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को काट दें और इसको पलट लें। चीज़ें सीखने के लिए हमें एक एक चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है, इसलिए हमारी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती है। शॉर्टकट में किसी चीज़ का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट से हम कुछ ज़्यादा सीख नहीं सकते। सिलाई एक ऐसी चीज़ है, उसमें बारीकियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमें हर चीज़ को सीखना ज़रूरी होता है। तो मैं जैसी मैं खुद सिलाई करती हूँ उस तरीके से मैं आप लोगों को सिखाने की पूरी कोशिश करती हूँ, हर चीज़ बताने की। फिर भी अगर कोई चीज़ हमारे माइंड में रहती है और हम बोल नहीं पाते उसको, तो आप कमेंट में कोई चीज़ समझ में नहीं आती हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर पूछें। हम तुरंत नहीं तो मैं आपको देर से, जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ूँगी तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। तो ये देखिए, ये ले लिए मैंने, और दो और हैं अभी हमारे। ये देखिए, मैंने इन सभी को धागे में एक बार इस तरीके से आप रफली इनको पिरो सकते हैं, और फिर हम इनको एक साथ मैं इसमें लगाना आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, एक मैंने ये लेस ली हुई है, अब मैंने ये लेस ली है, और इसको किनारी पर हमें इस तरीके से अटैच करना है, बिल्कुल किनारी किनारी पर। लेस को खींचना नहीं है, जैसी हमारी बाजू की शेप है उसी में आपको इसको घुमाते हुए इसको पूरी को लगाना है। अब हमें यहाँ पर जो हमने ये फूल बनाया है, ये मैंने धागे में प्रो के इसको इस तरीके से काट लिया है। धागे में सिर्फ इसलिए प्रोते हैं ताकि वो एक जगह इकट्ठे रहें। अब हमें यहाँ पर ये देखिए, इनको सीधा ध्यान रखें कि ये हमारी जो साड़ी है, ये देखो कपड़े में ये पूरे ऐसे हमारे सीधे होने चाहिए। ये देखिए, इनको सबको इस तरीके से मिला लो, और ये धागा पूरा खींच के ये एक जगह हो जाएंगे, हल्का से इस तरीके से खींच के, क्योंकि एक साथ ये सारे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये देखिए इनको बराबर बराबर से कर लें, और फिर जो भी ये एक्स्ट्रा है हमारा कपड़ा, इसको इस तरीके से काट दें, बिल्कुल हमें बहुत कम यहाँ पर कपड़ा छोड़ना है। और अब इनको पूरे उस पर ये हमारी अच्छे से आ जाए, ऐसे फैला के रखें, ये हमारी बाहर भी नहीं निकले किनारे से। गोटे जो ये लेस है हमने लगाई है पट्टी, इसके नीचे ये हमारी सारी कवर हो जानी चाहिए। और मैंने ये जो टसल्स बनाई है, ये देखो आप, इनको इस फूल के नीचे देना है आपको, ये एक्स्ट्रा इसको हम काट देंगे, और जितनी लंबाई में आपको ये रखना है उतना रखें, एक छोटा और एक बड़ा।
और अब फिर ऐसे रखते हुए हमें देखो इसके ऊपर ये लेस को ऐसे लाना है और फिर ढीला छोड़ते हुए यहाँ पर आराम से और फिर पूरी को देखिए किनारी पर ये पूरी जो हमारी इसकी सिलाई में जो हमने बांधे हुए हैं ये सारे सिलाई में कवर हो जाएं गोटे के नीचे। ये देखो ये ऐसे दबाते हुए इस धागे को हम बाद में काट देंगे और थोड़ा इसको खींच लेते हैं। देखिए फिर भी हमारा कोई एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर रहता है तो हम उसे बाद में भी थोड़ा काट सकते हैं। अब मैं इस पर एक बार मशीन उठा कर इसको एक बार और पूरा को यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार पक्का कर लेती हूँ। और फिर इस पर पूरे पे और इसको पहले मैंने काट दिया क्योंकि ये बाजू हमारी और अंदर फोल्डिंग में आ जाएगी। ये देखिए ये एक कुछ कपड़ा है ये हमारा कवर नहीं होता तो ये इसको बाद में धीरे धीरे आप कैंची से इस तरीके से काट दें ये पूरा कट जाएगा। और ये जो हमारी डोरी की एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई थी ये देखो इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ। अब ये अंदर की साइड ये ऐसे पूरा पलट जाएगा। अब मुझे क्या करना है ये देखिए ऐसे ये हमारा इस तरीके से हाफ फ्लावर में ये डिजाइन हमारी इस तरीके से तैयार हो जाती है। और मैंने इसके में जो मेरी बाजू के कपड़े की मैचिंग के ये बटन बनाए तो मैं सेंटर में यहाँ पर देखिए ऐसे इसमें ये बटन लगा दूँगी। और एक बाजू ये मैंने रेडी की हुई है तो दोनों बाजू देखिए हमारी सेंटर में बटन लगाने के बाद ये एक बाजू ये है और एक ये है इन दोनों में हम इस तरीके से बटन लगा देंगे तो देखो ये कितनी खूबसूरत डिजाइन आप बनकर तैयार हुई है। और आप इसमें यहाँ पर मोती भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं इन लीव्स जो लीव्स हैं इनको ब्लाउज के साथ अटैच करके। तो ये देखिए हमारी जो ये मेरी लंबाई 5 इंच थी स्लीव की कितनी सुंदर ये हमारी स्लीव रेडी हुई है। तो ये स्लीव का डिजाइन आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इसी तरह की सुंदर सुंदर डिजाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।